अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी लाहौरी फ्राई फिश। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले इस बाउल में मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून बेसन। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक जाएगा हसबे जायका, ज़ीरा मैंने लिया है साबुत 1/2 टीस्पून, गरम मसाला जाएगा 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, और अब मैं इसमें डालूंगी अपना स्पेशल वाला मसाला 1/2 टीस्पून, जिसमें मैंने डाला है हल्दी, ज़ीरा, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद अब आखिर में इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ मछली। मछली मैं बस 3 से 4 पीसेस ही लूँगी। अब मैं इस बैटर में मछली को मिक्स करके रख दूँगी 30 मिनट के लिए, ताकि ये मैरिनेट हो जाए अच्छे से। और अगर आप मछली ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आप क्वांटिटी देख लीजिएगा। 6 पीसेस अगर आपने बनाने हैं तो इसका डबल कर लीजिए। मछली मैरिनेट हो चुकी है और मैंने तेल को भी गर्म कर लिया था, तो अब मैं बस इसको फ्राई करूंगी मीडियम हीट पे। 3 से 4 मिनट बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें और इसको अच्छे से पकाना है। ऐसे नहीं कि फिर बेसन कच्चा रह जाए या मछली कच्ची रह जाए। और जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए तो बस इसको डिश आउट कर लें। और यहाँ पे मछली फ्राई हो चुकी है तो अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।